आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के परिणाम आ गए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के बाद खूब उत्साह में है और उल जलूल हरकत कर रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी थी कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर सिमट के नाम आए, तो भारतीय जनता पार्टी भी 100 सीटों के पार चली गई और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी फेल हो गई। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जबरदस्त टक्कर के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का जो जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश आपने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें उनके कार्यकर्ता भाजपा सांसद मनोज तिवारी के गाने रिंकिया के पापा पर मदहोश होकर डांस करते नजर आ रहे हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपने भाजपा को चिढ़ाते हुए लिखा, हम जीत गए। साथ ही आम आदमी पार्टी ने गाने के बोल चट दिल्ली मार दिल्ली खींच के तमाचा ही हंस दिल्ली रिंकिया के पापा की साझा किया है। परिणाम आने के बाद आखिर कुछ ऐसे थे कि आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत दर्ज करके बहुमत बनाई, वहीं 104 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं जो निर्दलीय पार्टी थी वो 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट कर साझा किया कि कैसे वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस गाने पर थिरक रहे हैं। फिलहाल ये खबरें बस इतना ही। ऐसे ही तमाम देश दुनिया खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।